माय YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर मार्क टू का फुल मॉडिफिकेशन वीडियो, जो कि अभी आपके सामने प्रेजेंट है 2022 वेरिएंट। ये मार्क टू है और सबसे एक्सपेंसिव कलर है, जैसे आप सबको पता होगा क्रोम में आती है। यहाँ पर भैया ने इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, लाइक एलॉयज हो गए, एग्जॉस्ट हो गया, सीट कवर हो गया, हॉर्न हो गया। एग्जॉस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो AEW के भैया ने एग्जॉस्ट लगाए हैं इसमें, लगभग 24,000 के आते हैं। सीट कवर यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रोम का ऑल ओवर फिनिश है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की सबसे एक्सपेंसिव कलर है ये। ऑल ओवर फ्रंट का हेडलाइट पूरा का पूरा भैया ने चेंज कर दिया है, LED माइनस शेप हेडलाइट लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसका थ्रो और लो भीम हाई भीम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और ऑल ओवर यहाँ पर आप देखोगे इसका लुक तो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और गाड़ी का जो वेट है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो अलॉयज साइज़ है इनके वजह से अलॉयज में भी आपको क्रोम का फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा। तो मतलब हर जगह क्रोम का ही फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी का ऐसे जो पहले स्टॉक में आती थी उसमें आपको 202 kg की टोटल कवरेज मिलता था, बट अभी नाउ आई थिंक 212 या 215 kg, तो ऑफकोर्स बढ़ ही गया होगा इसका वेट। ऑल ओवर यहाँ पर आप हॉर्न देख सकते हो, भैया ने बहुत ही बड़ा हॉर्न लगाया है। हॉर्न की प्राइसिंग के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितना का ये हॉर्न है, और सुना भी देते हैं आपको इसका साउंड, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है, जैसे कि आप सुन सकते हो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, मतलब इतना ज़्यादा लाउड है कि मैं एक ही बार बजा सक रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर काम हो रहा है। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पूरा का पूरा चेंज इस बाइक में। यहाँ पर जो सबसे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है इसका सीट कवर मुझको। सीट भैया ने ब्राउन कलर में लगाया है और फुल लेदर में है, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है। ऑल ओवर पीछे में आप देख सकते हो उसका लुक, कंफर्टेबल भी है, और एग्जॉस्ट का साउंड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इस कलर के बारे में, और इसमें क्या कुछ चेंज हुआ है और कितने प्राइस लगे हैं वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप भी ये मॉडिफिकेशन कराना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा भैया का, आप उनसे बात कर लेना कि उनको कितने चार्जेस लगे और उन्होंने कहाँ से ये परचेज़ किया और कहाँ ये फोर फिटिंग हुई है, क्योंकि उनका भी एक वर्कशॉप है यहाँ पर जहाँ पर अभी हम आए हुए हैं। ऑल ओवर यहाँ पर फ्रंट में जो हेडलाइट आपको मिल रहा है माइनस शेप में, इसका प्राइस उनको लग गया था 3,500। बाकी ये जो आप सस्पेंशन कवर देख रहे हैं ये रॉयल एनफील्ड से ही उन्होंने परचेज़ की है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की ओर आपको एक रेडिएटर ग्रिल मिल जाता है जो कि 1200 का भैया ने लगाया है। हॉर्न मिल जाता है, 2400 का हॉर्न मिल जाता है आपको। इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, वही आपको पैलर ट्विल फोन स्ट्रॉक सिंगल सिलेंडर वाला एयर ऑयल कूल इंजन मिल रहा है। PS वही, इसमें PS आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, 47.6 PS मिल जा रही है, 7150 RPM में टॉर्क आपको 52 Nm मिलता है। ऑल ओवर एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, और पीछे का अलॉय भी आपको अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि अलॉय साइज़ एकदम 18 इंच के हैं, वही आपको जो टायर सेक्शन आता है सेम टायर सेक्शन में फिट हो जाते हैं। और मैं आपको सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी न्यूट्रल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे एग्जॉस्ट आपको मिल जाएंगे, बट ये जो एग्जॉस्ट का साउंड है आपको पसंद आएगा। यहाँ पर हल्के फुल्के आपके इलेक्ट्रिक्स में भी काम हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सब भी आप करवा सकते हो, जिससे लुक अच्छा ही लग रहा है देखने में। यहाँ पर आपको हज़ार लाइट का स्विच नहीं मिलता है, इसमें आपको लगवाना पड़ेगा आउट मार्केट। और अगर साउंड सुन लेते हैं एक बार, सुन सकते हैं बहुत ही बोल्ड आवाज़ है, और अभी आई थिंक इसमें डेवी किलर नहीं लगा हुआ है अभी, इस वजह से साउंड और ज़्यादा खुल के आ रहा है। अगर आप फिज़िकली सुनते तब आपको समझ में आता है इसका साउंड कितना ज़्यादा लाउड लग रहा था, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड है। हाई RPM में ऑफकोर्स बहुत मज़ा आने वाला है। तो एग्जॉस्ट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो एग्जॉस्ट का प्राइस आपको पड़ जाएगा 9,500 के आसपास। सीट कवर का प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,600, मतलब 1600 का सीट कवर है आपका। और यहाँ पर आप जो लाइट था फ्रंट का वो तो मैंने आपको बता दिया, 3,500 का पड़ जाएगा। रेडिएटर ग्रिल भैया ने लगाया है जो कि आपको 1200 का पड़ जाएगा। एग्जॉस्ट AEW के हैं तो वो आपको 24,000 के लग जाएंगे। हॉर्न का उनको लग गया है टोटल 2,400, मतलब अगर टोटल प्राइसिंग के बारे में बात करें कि भैया ने इसमें कितना खर्च किया है, तो लगभग 40,000 से लेकर 42,000 के आसपास में टोटल खर्चा आया है अभी ये फुल मॉडिफिकेशन होने में। और गाड़ी का ऑल ओवर जो लुक है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुका है, क्योंकि जो अलॉयज़ रहते हैं गाइस वो और ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं इसमें देखने में, क्योंकि ये फुल क्रोम में है और क्रोम अलॉयज़ भी हैं, इस वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टायर सेक्शन कोई भी चेंज नहीं हुआ, टायर सेक्शन एकदम सेम है, क्योंकि 18 इंच के दोनों ही अलॉयज़ हैं। आपको पता होगा कॉन्टिनेंटल और GT में 18 इंच के ही आपको स्पोक रिम्स कंपनी की तरफ से मिलते हैं, बट ऑल ओवर अभी जो बाइक का लुक आ रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में गाइस, तो भैया ने टोटल इसमें खर्चा किया है 42,000 के आसपास, और गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 3,14,000,
और ऑन रोड हर सिटी में वैरी करता है दोस्तों। तो हमारे सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस चढ़ रहा था 365,000 के आसपास, क्योंकि जब भैया ये बाइक ले रहे थे तब हमने इसका डिलीवरी वीडियो भी बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप जाके अच्छे से वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको हर एक डिटेल पता चल जाएगा। आज सिर्फ हम इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया हुआ है उसके बारे में आपको बताया, उसकी प्राइसिंग के बारे में बताया कि अगर आप चाहो तो आप भी ऐसा मॉडिफिकेशन करा सकते हो। अगर आपको मॉडिफिकेशन के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो भी इनका प्राइस है, कहाँ से उन्होंने परचेस किया, वो सब आपको बता देंगे। सो गाइज, होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।